में हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में सजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, चलो ना सरन है और मैं चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ, चलो ना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सुना सा सजन है और मैं हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और हमारे सारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी मौका मिलता है कहीं पे भी श्रोताओं से, संगीत प्रेमियों से जुड़ने का, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा ही स्टेज है, तो अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ जुड़ के बातें करके। तो ये सवाल तो जैसे आपने बताया कि हर बार पूछा जाता है और ज़रूर मैं बताऊँगी। तो ऐसा है कि बचपन से घर में संगीत का माहौल था, मेरी नानी जी और माँ दोनों गाते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे, उनसे ही मैं सीख सीख के बड़ी हुई हूँ और 3 साल उम्र से तबले के साथ गाने लगी थी, तो ऐसे बोल सकते कि उन्हीं के गोदी में बैठ के गाना सीखा। और हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, मैं बंगाल से हूँ कोलकाता से, तो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है रविंद्र संगीत, नजरुल गीति जो कि काजी नजरुल इस्लाम की लिखी हुई गीत, तो वो गाना सीखती थी। इसके अलावा श्यामा संगीत बोलते हैं जो काली माता की गाने होते हैं, वो सीखती थी। तो ऐसे ही सीखते सीखते घर में ही मतलब तालीम चल रहा था। और मेरी माँ सीखती थी गाना नीता सेन करके एक नामी कंपोज़र थी कलकत्ता में, तो उनसे वो तालीम लेती थी, तो मैं उनके साथ चली जाती थी और घंटों घंटों वहाँ बैठ के सुनती थी कि बड़ों को क्या सिखाया जा रहा है। तो अगर घर के बाहर कहीं तालीम हुई हो तो मैं बताऊंगी वही नीता जी के पास ही मैंने सीखा कि फाइनर नुआंसेस बचपन में ही, तभी मतलब वो कहते थे कि कितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट होता है भावना गानों में, इमोशंस, या कहाँ सांस छोड़ना कहाँ सांस लेना, ये सब वो सिखाते थे। और मुझे भी काफ़ी उन्होंने तभी ये सिखाया कैसे क्या गाना है। तो ऐसे ही मतलब तालीम हो रही थी। और तभी एक नामी जो बहुत प्रसिद्ध राइटर लिरिसिस्ट थे बंगाल के, गौरी प्रसन्न मजुमदार करके, हालांकि उनके गानों में लता जी ने बहुत उनके बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उनका जो स्मरण सभा होता था, स्मृति सभा जो कहते हैं, उसमें मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे गाना गाती थी। तो तभी बहुत सौभाग्य हुआ कि हेमंती शुक्ला जी, अनूप घोषाल जी, फिर रविंद्र जैन जी, उनके साथ मैंने एक मंच में गाया, हालांकि बहुत छोटी थी लेकिन उनके साथ वो गाने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला कैसे मतलब गाया जाता है, कैसे उन मतलब ऐसा है, रविंद्र जैन जी एक बार उन्होंने हारमोनियम भी बजाया था जब मैं बैठ के गा रही थी। तो ऐसे ही संगीत की शुरुआत हुई जिंदगी में। बिल्कुल, मतलब ये हमारे फैमिली में तो ऐसा था कि पढ़ाई
आगे सुबह उठ के रियाज करना जैसा था ये योगा जैसा, कि सुबह उठ के आप साह लगाओ और ये करो, वो तो ठीक है, वो अपना योगा जैसा हो गया, लेकिन दिन भर की पढ़ाई में कोई भी मतलब चुप नहीं होनी चाहिए, और पढ़ाई में मतलब मार्क्स अच्छे आना बहुत बहुत जरूरी थे, लेकिन अच्छा आना ही है मार्क्स। और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब स्कूल टाइम तक तो बहुत गा लेती थी, मजे में रियाज गाना ये सब चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ ना, तो बहुत मैंने साइंस लिया था, तो जेवियर्स में बहुत मुश्किल से एडमिशन तो मिलती कम है ना वहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस लिया, उसके साथ फिजिक्स और मैथ्स, तो लैब करके और फिजिक्स मैथ्स निपटा के उसके बाद गाने का मौका मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही कम आता था। और उसी वक्त मतलब ऐसा होता है ना कि जिंदगी में आप जब बहुत ज्यादा उलझे हुए हो कोई चीज में, उसी वक्त आपको ऐसा कोई मौका आता है जो आप नहीं ले पाते हो, तो बहुत ज्यादा चुभता है। उसी वक्त मुझे ए आर रहमान साहब से एक मिलने का मौका मिला था, और ये मौका मिला था कि चेन्नई में मैं जाऊं और ज्वाइन करूं एज अ कोरस आर्टिस्ट या जो भी, वहीं शुरुआत शायद होती। ये मौका मिलने के बावजूद मजबूरियां हालात जो थे, तभी साइंस लेके, तो बिल्कुल भी वो घर वालों को मनाना अकेले जाना जाके चेन्नई में, ये तो नहीं हो पाया। आज तक मैं वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत कुछ लगता है कि क्यों नहीं गई, लेकिन ऐसे हालात थे। आई एम श्योर सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप ये तय नहीं कर पाते हो क्या करना, आप छोटे भी होते हो तो वो डिसीशंस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ाई ही चलती रही मतलब उसके बाद से, तो जो भी मैंने शोज किया वगैरह, लेकिन पढ़ाई साथ साथ इट वॉज ऑलवेज देयर, जैसे मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स वो भी साइंस में, उसके बाद MBA, तो सब कुछ एक के बाद एक चलता रहा, नौकरी ये कंटिन्यूअस चला। तो अच्छा सवाल था आपका ये कि कैसे बैलेंस। जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिलता था स्कूल में, ये तो है। एक बुजुर्ग टीचर थी जो हर बार इंडिपेंडेंस डे में जो गाने होते हैं, फ्रीडम वाले गाने, इंडिपेंडेंस डे वाले गाने, उसमें एक गाना बंगाली सॉन्ग था जो जिसका नाम है एक बार विदाई दे माँ फिरे आशी, वो लता जी का गाया हुआ गाना है और ये खुदीराम बोस के ऊपर है। और ये गाना जो है बिल्कुल एक क्या बताऊँ, आप कहानी जैसा है कि आप सुनते रहो तो उनके लाइफ की कहानी बता रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी, कि आज वो मरने वाले हैं लेकिन फिर भी उनमें जो जोश जुनून और देश के लिए, कि हंस हंस के हम विदा लेंगे माँ आपसे। तो ये गाना मैंने गाया और उन्होंने मुझे बताया कि आज ही सुबह मैंने रेडियो पे लता जी की आवाज़ में सुना और फिर तुम्हारे आवाज़ में सुना, मुझे दोनों ही सुन के इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। तो ऐसे बहुत प्यार मिलता था गाने की वजह से, स्कूल में कॉलेज में हर जगह, तो ये तो बिल्कुल है। लेकिन क्या है, हमारे देश में टैलेंट बहुत है और सब बाप माँ यही चाहते हैं कि आप गाने में अगर कुछ कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाए जो होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारा किस्मत का भी खेल है ना, तो इसलिए माँ बाप सब चाहते हैं कि आप पढ़ाई भी करो, ताकि कुछ नहीं हो तो आप ज़रूर नौकरी करोगे, अच्छा ज़िंदगी में कुछ करोगे ना। बट ऐसा नहीं है कि संगीत दूर कर दे, इसलिए संगीत तो साथ रहता ही है, जैसे वेन्स में दौड़ता है, रग रग में दौड़ता है वैसे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।